नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे हर खेत पर आने जाने का एक रास्ता होना चाहिए, इसके संबंध में कानून, और साथ में अपन बात करेंगे कि सरकार ने दो परिपत्र जारी किए हैं जिनमें यह कहा है कि रास्ता 90 दिन में ही रास्ते का निर्णय उपखंड अधिकारी या कलेक्टर के यहाँ या तहसील के यहाँ, कोई मुकदमा चल रहा है तो 90 दिन में ही आपको निर्णय करना है। यानी कि सरकार ने कोर्ट को निर्देश दिए कि 90 दिन में आप निर्णय करके रास्ते को खुलवाए। तो सबसे पहले अपन यह दोनों परिपत्र भी मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं बात समझाता हूँ कि वास्तव में होता क्या है। ये आपका खेत है, अब आपके खेत के चारों ओर कई दूसरे व्यक्तियों के खेत आ गए, अब आपके खेत पे आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। तो जो सबसे नज़दीक पड़ता है रास्ता आम रास्ते से, उस खेत से आपको रास्ता मिलेगा। ये 251A में रास्ता एंड टेनेंसी एक्ट के तहत आपको मिलेगा। पर इसमें क्या होता था, मुकदमा बहुत लंबा चलता था, तो सरकार ने परिपत्र जारी करके ये बोला कि 90 दिन में ही आप फैसला करें। किसको? एसडीओ साहब को बोला था। और ये जो परिपत्र मेरे पास है इसको पढ़ के बताऊंगा मैं कि 90 दिन में करना है, किस किस को दिया गया, कब तारीख जारी की गई, उस परिपत्र के क्रमांक क्या है। दूसरा ये कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसने 251A में कोई आवेदन नहीं किया, उसके आने जाने का लंबे समय से रास्ता है, मगर पास वाले खेत वाले ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, यानी कि उस बंद रास्ते को खुलवाने के लिए भी सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है उपखंड अधिकारी को कि आप इस रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाए। कुल मिलाकर यह है कि अगर किसी व्यक्ति के खेत पे आने जाने का रास्ता नहीं है या सामने वाले ने जो रास्ता था वो बंद कर दिया, तो 3 माह के अंदर अंदर जब वो व्यक्ति आवेदन करेगा उसके अंदर उपखंड अधिकारी को फैसला करके देना है। ये इस मतलब परिपत्र की मंशा है। अब होता क्या है कि मान लो आपके खेत पे आने जाने का कोई बिल्कुल ही रास्ता किसी ने बंद कर दिया है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 251A में आपको आवेदन करना है। अब 251A में कैसे आवेदन करेंगे इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, ये वीडियो में इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, आप देख लेंगे किस प्रकार आवेदन करना है, क्या दस्तावेज चाहिए, कितने समय में होगा, कितना खर्चा आएगा, ये सारे बिंदु मैं इसमें बता रखे हैं। और रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके रास्ते का मुकदमा चल रहा है और 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए और अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है, या तहसीलदार साहब मौके पे आकर रास्ता नहीं खुलवा रहे हैं, तो आपको तहसीलदार साहब को या उपखंड अधिकारी को जो मैं जो परिपत्र बता रहा हूँ वो बताना है, इस परिपत्र में हुक्म आपको जल्दी से जल्दी रास्ता खुलवाई तो आपके खेत का रास्ता खुल जाएगा। अब परिपत्र क्या है ये भी अपन समझ लेते हैं। परिपत्र के क्रमांक मैं लिख देता हूँ, आपको वीडियो में बता देता हूँ, देखो वीडियो में पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ गया, देख लो, ये लिखा है राजस्थान सरकार, राजस्थान ग्रुप 6 विभाग, और ये परिपत्र क्रमांक है 3/2/6/2003-104। और कब दिया था ये बहुत पुरानी बात है, मगर अभी तक पालना इसकी नहीं हो रही थी, आप इस परिपत्र को बता सकते हैं। इस पर तारीख भी लिखी है, देखिए आप, ये 9/19/19, इसमें साफ लिख रखा है राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251A के तहत निजी खातेदारी भूमि में से काश्तकार को रास्ता उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान किए हुए हैं। धारा 251A के तहत उपखंड अधिकारी को न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण 60 दिन में किए जाने का प्रावधान है। यह जानकारी में आया है कि उपखंड अधिकारी द्वारा 90 दिन में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है और अनेक ऐसे प्रकरण निस्तारण को शेष है, अतः सभी उपखंड अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि धारा 251A के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण आवश्यक रूप से 90 दिन में की उचित अवधि में किया जाए। और ये किसने किया है? कमलेश जी हैं, ये शासन उप सचिव, इन्होंने देखो ये परिपत्र जारी किया है। परिपत्र क्रमांक क्या, आप इसकी फोटो खींच लीजिए। अब देखो ये परिपत्र हो गया। दूसरा, हर खेत को रास्ता दिया जाना चाहिए, इसका भी ये परिपत्र पूरा, इसके परिपत्र क्रमांक आप देख लीजिए, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये परिपत्र कब दिया गया? 30/9/2021 को। यानी कि अगर आपको ये परिपत्र चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी कॉपी मुझसे ले सकते हैं। तो जिन लोगों का मुकदमा लंबे समय से चल रहा है, जिनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उनके दिमाग में ये आती है कि कोर्ट में जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा,
तो आपको ये परिपत्र है वो कोर्ट में पेश करना है। फिर भी अगर रास्ते का आप एस डी ओ साहब या तहसीलदार साहब पालना नहीं करें तो कलेक्टर साहब के यहाँ पे आपको आवेदन करना है कि साहब सरकार की ये मंशा है कि जब 90 दिन में फैसला हो जाना चाहिए मुकदमा लगाने से, तो मेरा फैसला 90 दिन क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि रास्ता मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। किसी भी जगह, चाहे वो भारत में कोई सी भी जगह हो, हर जगह टेनेंसी एक्ट जो राज्य का लागू ये कानून है, एक्ट अलग अलग हो सकते हैं मगर सरकार की मंशा सब जगह एक ही है कि हर जगह खेत में आने जाने का रास्ता देना ही पड़ेगा, चाहे कोई खातेदार हो तो भी, चाहे किसी की निजी भूमि आ रही हो तो भी, चाहे किसी की कन्वर्ट भूमि आ रही हो तो भी, उसको रास्ता देना पड़ेगा, कोई रास्ता रोक नहीं सकता। आपके खेत का अगर किसी व्यक्ति ने रास्ता रोक दिया है और ऐसी कोई बात चल रही है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके फ़ोन पर बात कर सकते हैं। सेकंड जो परिपत्र है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये 30/21 का है, इसमें यह बोला गया है कि एक तो 251 में रास्ता देना पड़ेगा, दूसरा है कि कोई पुराना रास्ता है जैसे आपका खेत है और यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का खेत है, ठीक है, और इसमें भले रिकॉर्ड में नहीं है पर आप लंबे समय से आ जा रहे हैं, तो तहसीलदार साहब को आवेदन करने पर तहसीलदार साहब को जो रास्ता खुलवाना पड़ेगा। इसमें आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, अगर आप जा रहे हो तो ये परिपत्र का मंशा ये, सिविल में जाओ तो जा सकते हो, रोक नहीं हो, इस परिपत्र से आप रास्ता ये खुलवा सकते हो। उसका कानून 251 तो ही है, 251 में तो जो आने जाने का रास्ता उसको बंद कर दिया है उसको खुला, और 251 में नया रास्ता 251, ठीक है ना। आपका कोई रास्ता बंद कर दिया है, कोई नक्शे में रास्ता नहीं है, नक्शे में कोई गड़बड़ हो गई है, तो जो नंबर दिए गए उस नंबर पर आप 500 रुपये गौशाला, आपके पास कोई भी गौशाला उसमें रसीद कटा कर मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई गौशाला नहीं है 300 रुपये मेरे इस नंबर पर गूगल पेमेंट करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं हूँ उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, थैंक यू।